Can you give me introduction about your NGO? Hello, I am Architect Shavya Chatrit Mehra, the Secretary of Sprogger Foundation. हमारा जो NGO है, we are basically a private NGO. हमको donations government से नहीं मिलते, लोगों से मिलते. आपके जैसे बहुत सारे students हमारे साथ volunteer करते हैं हमारे various activities में. So whoever donates monetarily, they get the ATG income tax benefit. And many students they support us with their skills and time. हम बहुत सारी अलग अलग workshops लेते हैं तो उसमें लोग आकर हमारे साथ जुड़ते हैं. कई बार लोग हमको टाइम भी नहीं दे सकते और वो हमको फाइनेंशियली भी सपोर्ट नहीं करना चाहते, वो लोग हमको आइडियाज से सपोर्ट करते हैं. तो वी हैव वॉलेंटियर्स पैन इंडिया, कोई अमृतसर में है, कोई बॉम्बे में है, तो वो हमको कॉल करके आइडियाज देते हैं, शायद दिस इज वॉट यू कैन डू नेक्स्ट, वाई आर यू नॉट ट्राइंग दिस. So that way is we get a lot of support from people, and for the past 3 years we have done maybe more than 1,000 projects, and we are a small family of around 10,000 people, and this includes orphans, the people at the old age home, gaon ke bacche, construction site workers, all a variety of the destitute and underprivileged. So goals and objectives. That is a very big question. Goals and objectives. So, as of now, हम चार SDGs पे focus कर रहे हैं. आपको SDG पता रहेंगे? नहीं. Sustainable Development Goals. This is a standard thing for world. मतलब every NGO in any part of the world is following these SDGs. सबकी priorities अलग अलग हैं. तो our first SDG is quality education. क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, खुद पैसे कमाएगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू जीरो पॉवर्टी. सो नो पॉवर्टी इज ऑल्सो एन SDG सेटअप. तो क्वालिटी एजुकेशन एंड नो पॉवर्टी गो हैंड इन हैंड. तो क्वालिटी एजुकेशन में लाइक वी गो टू रूरल एरियाज एंड वी कंडक्ट वेरियस डिफरेंट वर्कशॉप्स फॉर देम. अभी दिवाली है, वी विल बी डूइंग द दिया वर्कशॉप. देन रक्षाबंधन था, हमने राखी मेकिंग सिखाया. समर वेकेशंस में फॉर द 8, 9, 10 स्टैंडर्ड गर्ल्स, हमने उनके लिए सारी ड्रेपिंग लिया, मेकअप लिया. सो द होल आइडिया इज कि अगर कोई मेकअप सीख रहा है या सारी ड्रेपिंग सीख रहा है तो दे कैन गो फॉर अ पार्लर कोर्स एट अ वेरी यंग एज. पार्लर के कोर्स के लिए उनको बीकॉम या बीएससी कुछ कम्प्लीट करने की जरूरत नहीं है. तो अगर हमने देखा है कि 10th के बाद बहुत लड़कियां स्कूल ही नहीं जाती हैं. पेरेंट्स को लगता है क्यों इनकी एजुकेशन पे खर्चा करना है, घर के काम करे, शादी करे, अपनी लाइफ में आगे जाए. तो दैट टिपिकल माइंडसेट इज स्टिल देयर, नॉट इवन इन रूरल एरियाज बट ऑल्सो इन द अर्बन एरियाज. जैसे अब हम शहरों में भी कितने स्कूल्स में जाते हैं जहां सिर्फ अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, तो हम वो देख रहे हैं कि वहां पर भी वही माइंडसेट है, 10th के बाद पढ़ाया नहीं जा रहा है लड़कियों को. सो दैट्स व्हाई वी हैव कम अप विद दीज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो हम चाहते हैं कि एजुकेशन कंप्लीट हो. वी वांट द फ्यूचर सिटीजंस ऑफ इंडिया टू बी वेरी एजुकेटेड बिकॉज अल्टीमेटली एजुकेशन इज एवरीथिंग, राइट? बिकॉज जस्ट इन द बिगनिंग आई सेड बिकॉज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन वी विल लीड टू नो पॉवर्टी. तो एजुकेशन ही नहीं रहेगा, आपको कोई आज कुछ आता ही नहीं है तो आप कैसे कमाओगे और कैसे अपना गुजारा करोगे? गवर्नमेंट अगर आपको 1,000-2,000 महीने का दे रही है तो अब जैसे पूना जैसा शहर है, इतना एक्सपेंसिव है, उसमें आपका गुजारा नहीं होने वाला है. या अगर गवर्नमेंट आपको दाल बेसिक राशन दे रही है तो आपका पिज्जा खाने का भी तो मन करता है ना, वो कैसे खाओगे आप? तो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए तो आपको कमाना पड़ेगा एटलीस्ट. So that is why we focus on quality education. We consider these programs. हम rural areas में choreographer को लेकर जाते हैं. मतलब जहां पर teachers के अलावा कोई नहीं जाता है, जहां पूरे school में 20 बच्चे हैं, वहां हम choreographer को लेके जा रहे हैं सिखाने के लिए. तो मतलब बच्चों में वो interest आना चाहिए कि yes, this is also a line that we can do. क्योंकि आज भी हम orphanages में जाते हैं और जब when we ask them कि what do you want to become, तो उनका क्लियर है आर्मी ऑफिसर, इंजीनियर, डॉक्टर. चौथी फील्ड बोलते ही नहीं, बिजनेसमैन तो कोई भी नहीं बोलता. क्यों? मतलब बिजनेस में तो सबसे ज्यादा स्कोप है ना, कम पढ़ाई में. आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो, जैसे मैंने कोरियोग्राफी बोला, या आप योगा ट्रेनर बन जाओ, या आप अपना पार्लर कर लो. वी डोनेट स्विंग मशीन्स, तो आप टेलर बन जाओ. सो ये छोटे एंटरप्रेन्योर्स वो लोग बन सकते हैं.
बट दैट इज नॉट हैपनिंग. तो वी आर इन अ वे ट्राइंग टू चेंज द माइंड सेट ऑफ पीपल विद दिस. तो अब ये मैंने बात की क्वालिटी एजुकेशन एंड नो पॉवर्टी की. द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर फोकसिंग ऑन इज अनदर SDG. I told you sustainable development goal. That is good health and well-being. That is very important. अगर हम आज देखें तो इंडिया में हर चौथा इंसान बीमार है. आपकी भी फैमिली में अगर आपने देखा होगा तो, मतलब मैं नहीं बोल रही आपकी फैमिली में लोग बीमार होने चाहिए, बट इन जनरल BP, शुगर ये सब बहुत कॉमन है. एंड प्रैक्टिकली एवरी लेडी हेमोग्लोबिन कम है, किसी का भी अच्छा नहीं है. आपको पता है ब्लड डोनेशन के लिए हेमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? नो आइडिया. इवन आई डिडंट हैव एन आइडिया, बट स्प्रॉगर फाउंडेशन स्टार्ट करने के बाद मैंने खुद बहुत कुछ सीखा. तो मुझे पता चला कि हेमोग्लोबिन 12 रिक्वायर्ड है टू डोनेट ब्लड. एंड अगर आपका 12 नहीं है तो आप डोनेट नहीं कर सकते. एंड इंडिया में मोर देन 80% ऑफ द फीमेल्स, उनका हेमोग्लोबिन इज बिलो 12. सो समवेयर हमारे खाने पीने में गड़बड़ हो रही है, हमको अवेयरनेस नहीं है. तो हम डॉक्टर्स को लेकर जाते हैं, योगा ट्रेनर्स को लेकर जाते हैं. हम एक बार गांव में गए थे एंड हमने उनके लिए कुकिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था. एंड उनको दो ही चीजें दी गई थी, रवा और बटाटा. तो पोटैटो एंड सूजी से उनको कोई डिशेस बनानी थी. हमने पूछा इसमें हेल्दी क्या है, उन्होंने बोला पोटैटो इज द हेल्दीएस्ट वेजिटेबल. We were shocked. How can potato be the healthiest vegetable? हमने पूछा इसमें क्या है? तो उन्होंने बोला सारे विटामिन्स, सारे मिनरल्स, कैल्शियम सब कुछ पोटैटो में ही होता है और रोज पोटैटो खाना ही चाहिए. हमने पूछा आप तेल कौन सा यूज करते हो, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच फ्राइज वगैरह सब बनाए थे. तो उन्होंने अपना रेगुलर ये जो सनफ्लावर ऑयल एंड ये सब है जो हम मना करते हैं कि नहीं यूज करना चाहिए. तो बेसिक अवेयरनेस ही नहीं है. तो हम उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जहां जो हमको लगता है हमारे यहाँ सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को पता है, वहां पे मम्मियों को नहीं पता, तो बच्चों को कैसे पता होगा. बट द पॉइंट इज दे आर स्टिल हेल्दियर देन द अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि वहां पे जंक फूड रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता ना. वहाँ रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, हमारी तरह फैसिलिटीज नहीं है. बट फिर भी उनको अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर वो ये सब खा के भी हेल्दी हैं तो और हेल्दी खाएंगे तो हमारे लिए अच्छा है. एंड वी नो 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज इन द विलेजेस. तो विलेजेस इज वेयर वी आर फोकसिंग. तो बिसाइड्स द विलेजेस वी गो टू कंस्ट्रक्शन साइट्स, वहाँ पे वी टेक मेंस्ट्रुअल हाइजीन सेशंस, क्योंकि वहाँ पे जो जैसी कंडीशंस में वो लेडीज रहती हैं कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर्स, उनके लिए हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है. फिर उनको डे टू डे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके लिए उनको घर पे कैसे डील करना है. हर बार वो लोग डॉक्टर के पास जाते ही नहीं क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते. तो फिर उसके लिए उनको क्या करना चाहिए ताकि उनको वो इश्यूज ना आए, कौन से इश्यूज निग्लेक्ट नहीं करने, डॉक्टर के पास जाना है, ये सब हम उनको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं. सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग. द क्वालिटी एजुकेशन, नो पॉवर्टी एंड गुड हेल्थ एंड वेलबींग कंसिडर किया. एंड द फोर्थ SDG दैट वी आर वर्किंग ऑन इज जीरो हंगर. तो वी हैव कम अप विद अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट कि आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, आप फर्स्ट आए हो, आपने 12th क्लियर किया है, मतलब आपकी खुशी का कोई भी दिन हो आप आके हमारे साथ सेलिब्रेट करो एट द ऑर्फनेजेस एंड द डेस्टिट्यूट होम्स. तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू जीरो हंगर. आप आओगे, आप या तो राशन दोगे या आप उनको एक टाइम का खाना दोगे या पूरे दिन का खाना दोगे, तो उससे जीरो हंगर उनको भी हेल्प हो जाती है. एंड जो सेटिस्फैक्शन होती है हमको कि हमने कुछ तो अच्छा काम किया, और वो एक यादगार रहती है हमेशा के लिए कि मेरा 12th का रिजल्ट आया, मेरे इतने मार्क्स आए, तो मैंने जाके गरीबों को खाना खिलाया. वो एक जो सेटिस्फैक्शन होती है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा हमको खुशी होती है, क्योंकि जब हम उनको खुद सर्व करते हैं, जो प्यार वो लोग हमको देते हैं वो सबसे बड़ी खुशी है. आपने कभी ट्राई किया है? एक बार मतलब मैं कैसे लाइक 10th स्टैंडर्ड में था, तो लाइक आई वाज नॉट गुड एट स्टडीज, सो 12th में मुझे 80% मिले, सो लाइक आई वाज वेरी हैप्पी. सो आई डोनेटेड क्लोथ्स एंड फूड टू पुअर पीपल एंड बेगर्स. वाओ, तो वो खुशी कितनी होगी? बट आई वाज वेरी हैप्पी. एग्जैक्टली. तो वही, वो जो हम खुशी लेते हैं तो कई बार हमको समझ नहीं आता कि हम उनको खुशी देने जा रहे हैं या हम अपनी खुशी उनसे खरीदने जा रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटिफुल गिव एंड टेक दैट हैपन्स थ्रू द NGOs
for the society. Do you market yourself? We don't market ourselves. That is the only thing that we are not doing. Everything is due to mouth publicity. आपको अगर अच्छा लगा आप मेरे साथ आते हो कहीं ऑर्फनेज में, फिर आप आपके फ्रेंड को बताते हो कि यार ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट करना चाहिए, एक बार तुम ट्राई करके देख लो. तो दैट इज हाउ वी हैव बीन डूइंग सिंस वेरी लॉन्ग. हमने कभी भी मार्केटिंग नहीं की. आई गेस हम जिस सेक्टर में हैं उसमें मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है ना. हम तो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं. एंड आज की डेट में इतनी अवेयरनेस है कि हर इंसान कुछ तो गिव बैक करना ही चाहता है सोसाइटी को थ्रू समथिंग और द अदर. तो आई डोंट थिंक वी नीड टू मार्केट. लोग हमारा काम देख रहे हैं, उनको जेन्युइन लग रहा है एंड दे आर सपोर्टिंग अस एंड वी आर हैप्पी द वे वी आर गोइंग. बट प्रोजेक्ट्स इतने सारे हैं पाइपलाइन में, तो वी वॉन्ट मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन. क्योंकि अभी तक तो टचवुड ऐसा नहीं हुआ कि भाई डोनर्स ज्यादा मिल गए और काम, तो अब हम इस पैसे का क्या करें, ऐसी वाली जरूरत नहीं पड़ी. क्योंकि इंडिया कंट्री इतनी बड़ी है, हमारा पूना शहर डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा है, तो हमारी रिक्वायरमेंट ह्यूज है. Question is, how many centers do you have? We don't have any center. We have an office in Pimpri, Pune. And we go to various centers. तो हमारे साथ बहुत सारे orphanages, old age homes, schools, then the centers for physically challenged people, mentally challenged, blind, मतलब ऐसे बहुत सारे जहाँ ज़रूरत है उनसे हम जुड़े हुए हैं. तो हम एक सेंटर में बिलीव भी नहीं करते एंड फ्यूचर में भी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है कि हम एक सेंटर ओपन करें. बिकॉज जो वो खुशी मिलती है अलग अलग तरह के लोगों से इंटरेक्ट करने की, वो एक जगह पे नहीं मिल सकती. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अगर हम एक ऑर्फनेज में साल में 10 बार भी जाते हैं तो 10 बार हमारे एक्सपीरियंस बहुत अलग है. एंड वो हर बार वो खुशी अलग तरह की है. जिस तरह से वो हमको याद रखते हैं, वो कंप्लेन करते हैं कि आप आए क्यों नहीं इतने दिन से, या पिछली बार आप ये देखे गए तो उसको क्यों नहीं आपने दिया, तो वो बहुत अच्छा लगता है. दे आर मोर देन अ फैमिली टू अस. तो इसलिए आई थिंक वी आर एसोसिएटेड विद मोर देन 100 सेंटर्स दैट वे. So next question is like, do you have any CSR partners? Yes, we do have CSR partners. We are slowly into the process. हमारे पास registered CSR number है. And we have small multi-fold companies like small scale companies, MIDC mein. And we actually have pan India, like we have from Amritsar, from Mumbai, whoever are doing their annual donation drives through us. या कुछ हमको मंथली भी सपोर्ट करते हैं एज पर देयर कैपेसिटी. बट वी आर लुकिंग फॉर मोर CSR पार्टनर्स. जैसे हमको एक स्कूल का रूफ बना के देना है. एक स्कूल इज इन अ वेरी डिलैपिडेटेड शेप, तो वो पूरी बिल्डिंग रेस्टोर करके देनी है. एक स्कूल को कंप्यूटर लैब की जरूरत है. तो दैट वेज वी नीड मोर CSR पार्टनर्स सो दैट वी कैन मूव अहेड विद हेल्पिंग दीज पीपल ऑल्सो. CSR partners like उनका नाम तो मतलब कौन कौन है CSR partners? We have Vafsi Enterprises that is from Amritsar. We have Bharat Automotives that is in MIDC Bhosri. We have a number of schools who are attached with us, like Podar International Chinchwad. They have done our annual donation drive with us. We have GGIS Pimpri, GGIS Bavdhan, Buds International Chikli. So that is a number of schools are doing with us. And currently we are starting with GK Light, that is a Pashan based company. So we have a number of companies who are associated with us right now. Ideas and I will spread the word among my friends and I will also tell my college teachers so they can help you as well. So like abhi to mere liye possible nahi hai, like I am college student and I also do an internship. Like agar mereko time mila to I would like to help you as well. Thank you.